बताऊंगा करके अपनी बातों को कहे। आदरणीय अमित शाह जी, ताली बजा करके स्वागत करिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, सीतामढ़ी वालों की आवाज ऐसी होती है क्या? देखिए मोदी जी दिल्ली में है, उनको मालूम पड़ना चाहिए सुनील कुमार पिंटू को जिताने के लिए एनडीए वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे साए हुए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील मोदी जी, जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, ऐसे जदयू एनडीए के प्रत्याशी भाई सुनील कुमार पिंटू जी, हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री सुबोध कुमार सिंह जी, श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, श्रीमती गायत्री देवी जी, श्री दिनकर राम जी, श्री राम नरेश यादव जी, श्री उपेंद्र शुक्ला जी, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, श्री सुफल झा जी, श्री रमाशंकर प्रसाद जी, श्री मनोज कुमार जी, श्री अरविंद सिंह जी, श्री उमेश यादव जी, श्री आदित्य मोहन सिंह, श्रीमती गीता रीता शर्मा जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, डॉक्टर मंजू गीता जी और मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सांसद, जिन्होंने हमारे साथ रहकर एनडीए का पल्ला पकड़कर रखा है, ऐसे श्रीमान राम कुमार शर्मा जी, मेरे साथ मंच पर बैठे हुए जदयू और रामविलास पासवान जी की पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, और आज इतनी प्रचंड धूप के अंदर, चिलचिलाती धूप के अंदर, सीतामढ़ी के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं सीतामढ़ी पहली बार आया हूं, मां सीता को भूमि में से जन्म दे, एक पवित्र धरती माता को दो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। ये मिथिला क्षेत्र की प्रमुख नगरी है और यहां तो मां सीता ने जन्म लिया है। यही धरती की बेटी मां सीता ने अपना जीवन इस तरह से प्राणित किया, इस तरह से जिया, संस्कार की सुगंध इस तरह से फैलाई कि प्रभु श्री राम का नाम भी लेना होता है तो आगर मां सीता का नाम लेना पड़ता। दुनिया भर में सीता राम कहते हैं, कभी राम सीता कोई नहीं कहता, क्योंकि सीता के बगैर राम का अस्तित्व ही नहीं है। ये सीतामढ़ी की धरती को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, यहां ही प्रसिद्ध बगही मठ है, बगही मठ के तपस्वी नारायण दास को मैं प्रणाम करता हूं, अमर शहीद रामफल मंडल जी का भी यही भूमि है, और पहली बार जब संसद का चुनाव हुआ यहां से आचार्य कृपणाली को भेजने वाली यही सीतामढ़ी थी। मित्रों, यही सीतामढ़ी। मित्रों, अभी अभी पठानकोट पर हमला हुआ, वो हमले में सीतामढ़ी जिले के पुपरी गांव के बलहा के श्री अजीत ठाकुर भी शहीद हुए थे। मैं भाई अजीत ठाकुर को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके पूरे परिवार को, ये वीर सपूत को देश को देने के लिए
प्रणाम कर मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, आज मैं 263वीं लोकसभा में आया हूं। 4.5 महीने में देश की ये 263वीं लोकसभा है जहां पर मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। पूरा उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में मैं घूमता 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 आज सीतामढ़ी आया हूं। मित्रों, चाहे मैं पूरब में गया, पश्चिम में गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया, जहां पर भी गया मैंने एक ही नारा सुना है, मोदी 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 मोदी। देश भर में ये मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़ते हैं। देश के हर कोने में ये मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़ते हैं। ये मोदी मोदी के नारे जो देश की जनता हर कोने में लगा रही है, ये अकारण नहीं लगा रही। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल में ऐसा शासन किया जिसकी देश 70 साल से राह देख रहा था। देश राह देख रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति आए जो अपने लिए न जीता हो, देश के करोड़ों गरीबों के लिए जीता हो, ऐसा व्यक्ति आए और प्रधानमंत्री जी आए। मित्रों, सुशील जी ने कहा अथक परिश्रम करने वाले प्रधानमंत्री है। मैं 20 साल से लगातार उनको देख रहा हूं, गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है, एक भी छुट्टी नहीं। और मित्रों, दूसरी ओर गठबंधन के नेता है राहुल बाबा 2-3 महीने में छुट्टी लेकर चले जाते हैं, और चले ऐसे जाते हैं माँ भी ढूंढते हुए रह जाती है, बिटवा कहाँ चला गया, मिलता नहीं है। एक दिन में 18 घंटा परिश्रम करने वाला नेता देश ने बहुत समय के बाद देखा है। जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, उसके लिए समर्पित करने वाला ये नेता है। एक कठोर फैसले लेने वाला नेता है और ये संवेदनशील भी नेता है। मित्रों, ऐसा संवेदनशील नेता मैंने नहीं देखा। इनके मन में गरीबों के प्रति संवेदना है और तभी तो जाकर एक के बाद एक के बाद एक ये योजनाएं निकलती है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 70 साल तक देश में अलग अलग प्रधानमंत्री आए मगर कभी भी संपूर्ण गरीबी के उन्मूलन की दिशा में काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक 5 साल के अंदर ही देश की 7 करोड़ गरीब माताओं की झोपड़ी में गैस का सिलेंडर भेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाकर गरीब माताओं को, बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये नरेंद्र मोदी ने दिया है, 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, और 2.35 करोड़ लोगों को घर में 70 साल के बाद बिजली और उजाला पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, सबसे बड़ा काम किया है, देश के 50 करोड़ लोगों को गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हर बड़े रोग के अंदर 5 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी सरकार ने। एक जमाना था जब ये लालू राबड़ी का शासन था, एक जमाना था जब ये राहुल बाबा के परिवार का शासन चलता था। गरीब को कैंसर हो जाए, 2 दिन बेटा टेस्ट कराता था, बाद में बाप ही कह देता था बेटा घर को ले जा, मैं तो मरूंगा ही, मेरे पीछे जो ऋण हो जाएगा तेरा परिवार भी भूखों मर जाएगा। और आंख में आंसू के साथ
बेटे अपने मरते बाप को घर पे ले आता था, मां अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाती। मित्रों, आज आयुष्मान भारत योजना के तहत आज सुबह तक 24 लाख लोगों का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 24 लाख गरीबों का ऑपरेशन समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, सीतामढ़ी के लिए, बिहार के लिए ढेर सारे विकास के काम प्रधानमंत्री जी ने करे, मैं इसका भी थोड़ा संक्षिप्त में जिक्र बाद में करूंगा, मगर सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी ने किया है देश को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, लालू राबड़ी के समर्थन वाली सरकार थी, और 10 साल तक पाकिस्तान से आतंकवादी घुसते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं था, उनके अपमान होते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पुलवामा में अभी अभी पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजकर 40 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, 40 लोगों। मित्रों, पूरे देश के अंदर हताशा, निराशा, गुस्सा, रोष पूरे देश के अंदर, अब क्या हो सकता। पाकिस्तान ने भी पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पाकिस्तान ने भी सीमा पर सेना लगा दी, टैंके लगा दी, तोपे लगा दी, सबको लगा कि अब क्या हो सकता। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी भी 56 इंच के सीने वाला आदमी है, 56 इंच के सीने। पाकिस्तान ने सीमा पर टैंके तोपे लगा दी, सेना बिछा दी, नरेंद्र मोदी जी ने वायुसेना को हुक्म दिया, हमारे वायुसेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर विमान ले जाकर बालाकोट पर बमबारी करकर आतंकवादियों के पुर्जे उड़ाकर वापिस आ गए। मित्रों, जिस क्षण नरेंद्र मोदी जी के हुक्म पर एयर स्ट्राइक हुआ और सफल एयर स्ट्राइक के बाद जब हमारे वायुसेना के जवान वापिस आए, बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया में आया। पहले दुनिया में दो ही देश थे जो अपने जवानों के खून का बदला ले सकते, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। वो दो देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है। मित्रों, देश की सुरक्षा ये गठबंधन वालों के लिए मजाक। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दो ही जगह पे मातम था, पूरा देश कुर्सियां बना रहा। कहां कहां मातम था भाई? एक तो पाकिस्तान में था, वहां तो होना ही चाहिए ना, बताओ भाई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और दूसरा मातम था राहुल बाबा लालू राबड़ी के ऑफिस में मातम, छातियां पीट पीट कर रो रहे थे, उनको लगा ये चुनाव में अब मुद्दा बन जाएगा। मित्रों, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स एक गठबंधन वाले करते हैं। ये राहुल बाबा के गुरु श्याम पित्रोड़ा ने स्टेटमेंट दिया है कि कुछ बच्चों ने हमला कर दिया, आप पूरे देश पर क्यों बम गिराते? मुझे बताओ सीतामढ़ी वालों, हमारे 40 जवानों को जो मौत के घाट उतार दे, उन पर बम गिराना चाहिए या नहीं गिराना चाहिए? जरा जोर से बोलो, गिराना चाहिए या नहीं गिराना चाहिए? ये राहुल बाबा और लालू प्रसाद यादव को जो करना है वो करने दो। मैं आपको बताता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री है। हमारा निर्णय स्पष्ट है, पाकिस्तान की ओर से गोली आएगी, यहाँ से गोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर देगा।
साथ अपनी वोट बैंक के कारण हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। मित्रों, अभी अभी कश्मीर में चुनाव हो रहा था, उमर अब्दुल्ला जो कांग्रेस के साथी है, लालू जी के साथी है, उन्होंने कहा कि कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं सीतामढ़ी वालों, मुझे बताओ कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो भैया, होना चाहिए क्या? ये चाहते हैं कश्मीर देश से अलग हो जाए। मित्रों, मैं राहुल बाबा और लालू जी दोनों को बताने आया हूं, अभी तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, दोबारा बनने वाले हैं, मगर कभी ऐसा हो गया भाजपा सत्ता में नहीं है, एनडीए सत्ता में नहीं है, तो भी जब तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता के तन में प्राण है, हम कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं होंगे। ये कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये कश्मीर जो है मां भारती का मुकुट बनी है, कश्मीर को हम देश से अलग नहीं। मित्रों, ये कहते हैं हम देश में से राजद्रोह का कानून हटा लेंगे। अभी अभी जेएनयू में तीन साल पहले नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000। मुझे बताओ मां भारती के टुकड़े करने वालों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मित्रों, राहुल बाबा एंड कंपनी, लालू प्रसाद यादव एंड कंपनी पूरी चाहती है कि देश के टुकड़े होने की नारे लगाने वालों को जेल में न डाला जाए, भारत माता की जय न बोला जाए। मैं आपको बताने आया हूं सीतामढ़ी वालों, ये लालू प्रसाद और राहुल बाबा की टुकड़ी जो चाहे वो चाहे, भारतीय जनता पार्टी का शासन है तब तक इस देश में भारत माता के टुकड़े करने वालों की जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी, जेल की सलाखों के पीछे। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के विकास के लिए काफी कुछ किया। जब से नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी ने बिहार में शासन हाथ में लिया, जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। याद है ना भैया, लालू रबड़ी का राज आपको याद है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, याद है या नहीं है? गुंडई होती थी, याद है या नहीं है? जातिवाद होता था, याद है या नहीं है? अपहरण होते थे, याद है या नहीं है? बलात्कार होते थे, याद है या नहीं है? ट्रांसफर इंडस्ट्री चलती थी, याद है या नहीं है? ये जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम सुशासन बाबू नीतीश कुमार और भाजपा के नेता सुशील मोदी की जोड़ी ने किया है। आज बिहार विकास के रास्ते पर चल रहा है। पहले ही नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने बिहार के विकास के लिए शुरुआत करी थी, बाद में सोने पे सुहागा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये राहुल बाबा हर रोज पूछते, मोदी जी बताओ आपने बिहार के लिए 5 साल में क्या किया? अरे राहुल बाबा, आप हमारा हिसाब मांग रहे हो? हमारा तो अभी जुम्मे 5 साल हुआ है, आपके परिवार ने 55 साल और 5 पीढ़ी तक शासन किया है, आपने बिहार के लिए क्या किया? ये सीतामढ़ी की जनता पूछना चाहती है, पूछना। ये लालू रावण से बोलो भाई, हाँ ढंग से सुन रहे हैं आप, 1,93,000 करोड़ दिया आपने, नरेंद्र मोदी सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल में बिहार को 6,06,786 करोड़ रुपया देने का काम किया। और ये हमें पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया? नरेंद्र मोदी सरकार 133 योजनाएं लेकर आई,
गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए 133 योजनाएं। मित्रों समय कम है मगर मैं पढ़ूंगा जरूर, आपको जब लगे मोदी सरकार ठीक काम कर रही है मुझे ताली बजाकर रोक लेना। मैं पढ़ूं जोर से? पढ़ू, ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श ग्राम योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, कृषि विकास योजना। अरे भाई अभी तो 12 हुए, ऐसे 133 योजनाएं हम लेकर आए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की जनता के लिए किया है। मित्रों हमने पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिलाने के लिए 55 साल से पिछड़ा वर्ग के लोगों का एक मांग था कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सम्मान मिलना चाहिए, मगर कांग्रेस, आरजेडी कोई नहीं चाहता था, सिर्फ पिछड़ा वर्ग की बात करते थे। एक बार आपने अति पिछड़ा समाज के नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, 5 ही साल में पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक दर्जा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने किया। और पड़ोस के ही मुजफ्फरपुर जिले के भगवान लाल साहनी को देश का पहला अध्यक्ष भी हमने इस सहानी समाज के बिहार के भगवान लाल को बनाकर इतिहास में इनका नाम, बिहार का नाम दर्ज कराने का काम। मित्रों अगड़ा समाज सालों से मांग करता था अगड़ा समाज के गरीब बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कोई हिम्मत नहीं करता था। नरेंद्र मोदी सरकार अगड़ा समाज के गरीब बच्चों को, पिछड़ा समाज और दलितों का रिजर्वेशन काटे बगैर 10% रिजर्वेशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। सीतामढ़ी के अंदर उज्ज्वला योजना के तहत 2,60,000 घरों के अंदर गैस पहुंचा है। आयुष्मान योजना के 48,000 कार्ड बांटे गए हैं। 18,800 लोगों के, गरीबों के घर बनाए गए हैं। स्वच्छता योजना के तहत 5,00,000 घरों में शौचालय बनाया गया है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी रेलखंड का विद्युतीकरण हुआ, सीतामढ़ी दरभंगा रक्सौल समस्तीपुर उसका भी विद्युतीकरण हुआ। सीतामढ़ी सुरसन जयनगर निर्मली रेलखंड बनाने का काम 2400 करोड़ रुपया का शुरू हुआ। सीतामढ़ी जयनगर नरैया रोड 116 करोड़ के रुपयों से इसका दोहरीकरण का काम चालू हुआ। पहाड़ गांव से सीतामढ़ी सुरसन के 66 किलोमीटर रोड और 200 करोड़ रुपये दिए और ये मां सीता की धरती को, अभी सुनील कुमार पिंटू जी कहते थे अयोध्या से कम न रखना, पूरा देश मां सीता को आगे रखता है, हम सीतामढ़ी को भी आगे रखेंगे, आगे रखेंगे। मित्रों सीतामढ़ी को रामायण सर्किट के साथ टूरिज्म के दृष्टि से जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसके पहले चरण में अयोध्या से जनकपुर तक अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा शुरू की गई। सीतामढ़ी के रास्ते NH-77 से भारत से नेपाल तक का रास्ता बनाया गया और मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी को रामायण सर्किट से जोड़कर इसके विकास के लिए 480 करोड़ रुपया एक ही जिले के विकास के लिए अलग से लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। मित्रों इसके अलावे पटना को IIT दिया गया, गया को IIM दिया गया, निफ्ट की स्थापना की गई, दूसरा एम्स बनाया गया, छपरा और पूर्णिया में अब नए मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं, भागलपुर और गया के मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड किया गया, सीटें बढ़ाई गई और ढेर सारे विकास के काम किए। मित्रों में ज्यादा कहना नहीं आया,
मैं इतना ही कहता हूं, सीतामढ़ी वालों को पूछना चाहता हूं, क्या है लालू राबड़ी का जंगल राज फिर से लाना है क्या? जोर से बोलो, लाना है क्या? क्या नीतीश बाबू और सुशील मोदी के शासन को मजबूत करना? जोर से बोलो, करना चाहते हो ना? ये राहुल बाबा एंड कंपनी देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है क्या? गरीबों का विकास कर सकती है क्या? सीतामढ़ी का विकास कर सकती है क्या? अरे भैया, एक डबल इंजन वाली ट्रेन बनी है, यहाँ भी एनडीए वहां भी एनडीए, बिहार का विकास दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है। इस डबल इंजन वाली ट्रेन में डीजल भरने का काम आपको करना है, ढंग से भरोगे ना? जरा जोर से बोलो, भरोगे ना? 6 तारीख को तीर के निशान पर बटन दबाओगे? जोर से बोलो, दबाओगे? देखिए सुनील कुमार पिंटू जी जदयू से खड़े हैं, मैं सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को अनुरोध करने आया हूँ, तीर हो, झोंपड़ी हो, कमल हो, ये तीनों निशान हमारे अपने हैं। एडी चोटी का जोर लगाकर 40 की 40 सीटें जीता। तो मुझे बताओ सीतामढ़ी वालों, 40 की 40 सीटें जीतने का संकल्प लेते हो क्या? जोर से बोलो।